नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल के AR न्यूज में। अभी मैं दलसिंह सराय के महावीर चौक पे हूं। यहां पे बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन है, जो बिना मास्क के अभी चल रहे हैं। कड़ी शासन है कि बिना मास्क का घर से बाहर नहीं निकलना है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के लिए कहा जाता है कि अगर आप मास्क पहन के घर से निकलते हैं तो परेशानी कम होगी। लेकिन बहुत सारे लोग, अभी देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, मास्क पहन के जा रहे हैं आप जी, तो ये डेली करते हैं या अभी पुलिस को देख के आप कर रहे हैं? दोनों डेली, देखो दोनों बालक घर से आ रहे हैं, दोनों डेली हैं, तो डेली पहन के जाते हैं। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो काफ़ी यहाँ पे निगरानी की जा रही है, लगातार प्रशासन यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं हर चौक चौराहे पे। ये सजगता दलसिंह सराय पुलिस की काफ़ी काबिले तारीफ है। यहाँ पे बिना हेलमेट का जा रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सौरभ कुमार। कहाँ से आए हैं? यहाँ तो लोकल है, मंसूर से। मंसूर चेक से हैं, तो हेलमेट क्यों नहीं पहने? अगर दुर्घटना हो जाती है, सर फट जाएगा तो क्या करेंगे? क्यों नहीं पहनते हेलमेट? पहनते हैं, भूल गए थोड़ा अंदर फरी। भूल नहीं जाते हैं इसी तरह जब यहाँ आए हुए। कौन से डॉक्टर के यहाँ? कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ? आर्मी वहाँ है। कहाँ, कौन से डॉक्टर के यहाँ? यहीं पे आते हैं। बहाना नहीं बनाया कीजिए, बहाना आप इनसे बना लीजिएगा, लेकिन अपने जीवन के साथ कभी बहाना नहीं बना सकते, है ना? आप जीवन के लिए सोचिए, ठीक है? बहाना आप पुलिसकर्मी से बना सकते हैं, लेकिन अपने जीवन से कभी भी खिलवाड़ ना कीजिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए कहा जाता है, है ना? बात सही है, लेकिन हम यहाँ आए हुए थे तो क्या करें, थोड़ा अच्छी था, मतलब तो जरूरी था, इमरजेंसी था, तब ना आए। ठीक है, जरूरी है तो आप देख लीजिए। जो भी प्रक्रिया या जो भी कानून है वो लोगों के, जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके लिए कहा जाता है। मैडम, क्या परेशानी आपको यहाँ पे हो रही है अभी? जिनको भी देखिए बिना हेलमेट के जा रहे हैं, कंडीशन एक है, इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो आप लोग ये रेगुलर रहते हैं यहाँ पे? रेगुलर है, कंटिन्यू रेगुलर है ये। और क्या चेक चल रहा है अभी? और क्या मास्क चेकिंग है आपका, हेलमेट चेकिंग है, ट्रिपल लोडिंग है। कितने लोग अभी मिल रहे हैं जो मास्क पहने हुए हैं? लमसम आपके 50-50 है, 50 लोग, 20% अभी भी लोग जो बिना मास्क के आ रहे हैं। तो अभी मास्क के लिए कितना फाइन कर रहे हैं आप लोग? 50 rupees। अच्छा, 50 rupees, मात्र 50 rupees जी, ओनली 50। मात्र 50 rupees देने से उन्हें छुटकारा मिल जाती है। शायद लगता है कि 50 rupees देकर भी हम लोग ऐसे चल सकते हैं, लेकिन ये 50 rupees देना ना देना ये दूसरी चीज़ है। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए। हेलमेट नहीं पहनते हैं उससे आपके लिए नुकसान है, उससे पुलिसकर्मियों को कोई परेशानी नहीं है, वो आपके सुरक्षा के लिए रहता है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो बिना हेलमेट का चलते हैं। हेलमेट भी पहनने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आपकी सुरक्षा होगी इससे। यदि कोई भी दुर्घटना भी होती है, अगर हेलमेट रहेगा तो फिर आपको परेशानी नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? लखनदेव चौधरी। आप दलसिंह सराय से हैं क्या? जी, थाना। क्या परेशानी होती है सर ऐसे ड्यूटी में? आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? देखते हैं, बहुत आदमी वैसे ही चलता है। जी, त्रिपुल तो कम चलता है, माउस हेलमेट एक आदमी लगे भी नहीं करता है, 50% हेलमेट लगाता है। मैं निवेदन करूंगा जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मास्क पहन के निकलिए, क्योंकि स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका है। फिर से जैसा कि आप सब लोग जान रहे होंगे, कोरोना फिर से चरम सीमा पे है, परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि जितना हो सके मास्क पहन के घर से निकलिए, बिना मास्क पहने नहीं निकलिए। तो बस इतना ही। अभी दलसिंह सराय में काफ़ी स्थिति भयानक बनी हुई है, चेकिंग चल रहा है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन काफ़ी तैनाती में है, तो प्लीज़ मास्क पहन के निकलिए, बिना मास्क का नहीं निकलिए। लगातार प्रशासन का दौरा चल रहा है, तो बस इतना सा निवेदन करूंगा कि मास्क बिना पहने हुए आप घर से नहीं निकलिए। धन्यवाद।